नमस्कार दोस्तों, स्वागत है सभी टेक्नो वर्ल्ड में। नाम विशाल और दोस्तों आज के इस वीडियो हम अनबॉक्स कर रहे हैं ऑनर मैजिक बुक 15 लैपटॉप को, जो कि सितंबर 2022 में एक न्यू रिफ्रेश मॉडल लॉन्च किया गया विद द AMD Ryzen 5 प्रोसेसर। तो आज हम इसको अनबॉक्स करने और देखते हैं इसके अंदर हमको क्या मिलता है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये रहा हमारा बॉक्स। ओके, सो ये रहा हमारा लैपटॉप एंड बॉक्सिंग काफ़ी सिंपल रखी गई है। उसके अंदर मिलता है हमको ये चार्जर। सो बॉक्स दैट्स इट, इसमें और कुछ नहीं मिलता। चार्जर के बारे में सबसे फर्स्ट हम बात करते हैं, तो यहाँ पे C2C टाइप का आपको चार्जर मिलता है, जो कि 65 वॉट्स का है, जिसको आप यूज़ कर सकते हैं मोबाइल फ़ोन या किसी भी अनदर चीज़ को चार्ज करने के लिए। उसके साथ में आपको एक केबल मिलता है, जो कि वंस अगेन C2C टाइप का है, बिकॉज C टाइप की चार्जिंग पोर्ट इसके अंदर दिया गया। वेरी सिमिलर टू मैकबुक्स, जैसा कि हमको मैकबुक्स मिलता है, वेरी सिमिलर कलर कॉम्बिनेशन एज वेल, एक मतलब वैसा ही हमको कुछ डिज़ाइन यहाँ पे देखने को मिल रहा है। सो काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे सिमिलैरिटीज़ आपको देखने को मिल सकती अगर आप मैकबुक यूज़र होंगे तो। ओके, इसको बगल में रखते हैं, चलिए लैपटॉप की तरफ हम नज़र डालते हैं। सो ये रहा हमारा लैपटॉप। ओके, कुछ क्विक स्टार्ट गाइड दिया गया, पेपर वर्क डॉक्यूमेंटेशन नॉट नेसेसरी। ये रहा हमारा लैपटॉप। ओके, सो फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट लुक्स टू द लैपटॉप, क्लीन डिज़ाइन, गुड फिनिश एंड कंप्लीटली एल्युमिनियम बिल्ट बॉडी। सो यहाँ पे बिल्ड जो डिज़ाइन है, जो बिल्ड क्वालिटी है, बहुत ही अच्छी दिख रही है एंड एल्युमिनियम है, ये एल्युमिनियम फिनिश नहीं है, ये दिस इज़ कम्प्लीटली मेटालिक बॉडी। सो अगर हम देखें तो इवन टॉप में हमारे पास में एल्युमिनियम डिज़ाइन है एंड बैक साइड भी ये एल्युमिनियम है एंड इवन इनसाइड जो चैसी भी बनाई गई है दैट इज़ ऑल्सो एल्युमिनियम। सो दैट्स रियली गुड। ओके, अगर हम इनसाइड देखें सो ये भी एल्युमिनियम, सो कम्प्लीट एल्युमिनियम बॉडी यहाँ पर डिज़ाइन बनाया गया एंड इनटू द प्राइस पॉइंट जिस रेंज में ये आता है उसके हिसाब से अगर हम इसके बॉडी के बारे में, बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करें, इट्स रियली गुड। एंड नेक्स्ट थिंग अगर हम इसमें देखें तो टॉप में भी जो हमको यहाँ पे लिड बन देखने के लिए मिलता है, यहाँ पे बहुत ही सिंपलिस्टिक सा यहाँ पे जस्ट एक ब्रांडिंग किया गया ऑनर का एंड दैट्स इट, कुछ और नहीं है। और एक चीज़ जो थोड़ा सा आपको एलिगेंट यहाँ पे लगेगा अगर आप देख सकते हैं, तो ये जो ब्लू कलर के एजेस बनाए गए यहाँ पे, ओके, जस्ट समथिंग एज इन ब्लू क्रोमियम बेजल्स हैं ये और बहुत ही अच्छे दिखते हैं देखने के लिए। सो आपको बिल्कुल भी हाथ में लेके या फिर देखने से ऐसा फील नहीं हो कि ये एक मिड रेंज का या फिर एक मतलब लोअर रेंज का लैपटॉप है। सो वेरी प्रीमियम डिज़ाइन, बहुत ही अच्छा डिज़ाइन है, बिल्ड क्वालिटी है। पोर्ट्स के बारे में चलिए बात कर लेते हैं। ऑन टू द लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास में एक USB-C टाइप का पोर्ट दिया गया है, जो कि चार्जिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं आप। उसके साथ में एक USB-A टाइप का पोर्ट है एंड HDMI पोर्ट है। ऑन टू द राइट हैंड साइड अगर हम बात करें, देयर इज जस्ट वन पोर्ट जो कि USB-A टाइप का पोर्ट है एंड साथ में एक 3.5 mm का जैक है एंड कोई मेमोरी कार्ड के लिए स्लॉट अवेलेबल नहीं है, नीदर ऑन टू द फ्रंट नॉर ऑन टू द बैक। सो बैक में हमारे पास में कंप्लीट हिंज दिया गया, जो कि काफ़ी अच्छा है। एंड उसी के साथ में अगर हम बैकवर्ड्स बात करें इन टू द बैक ऑफ द लैपटॉप, तो यहाँ पे कुछ कूलिंग वेंट्स दिए गए हैं जो कि एग्जॉस्ट के लिए यूज़ होंगे एंड साथ में बॉटम फायरिंग दो स्पीकर वेंट्स भी दिए गए हैं यहाँ पे। AMD का आपको यहाँ पे रेडियन का एक मतलब स्टिकर मिल जाता है, साथ में विंडोज़ का स्टिकर मिल एंड डिफरेंट थिंग्स मोर। एंड ग्रिपिंग के लिए यहाँ पे आपको मिल जाता है एक कंप्लीट रबर फीट मिलता है यहाँ पे बैकवर्ड्स एंड टू द फ्रंट दो छोटे यहाँ पे रबर फीट्स आपको मिलते हैं। सो बिल्ड क्वालिटी एंड ओवर इन ऑल जो डिज़ाइन एंड फॉर्म फैक्टर बनाया, इट्स रियली गुड कंपैरेटिवली टू एनी अदर लैपटॉप के कंपैरिजन में अगर हम देखें, जो कि इस प्राइस सेगमेंट में आपको मिलेगा, उससे बहुत ही अच्छा यहाँ पे इस लैपटॉप को बिल्ड किया गया। चलिए अब अंदर बात करते हैं, उसको बूट करते हैं एंड देन उसके बाद में और इसके बारे में बात करते हैं। तो दोस्तों हमने लैपटॉप बूट अप कर लिया है एंड यहाँ पे ओपन अप करने के बाद सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे आपको मिलती है, 15.6 इंच का डिस्प्ले मिलता है, जो कि बहुत ही अच्छा यहाँ पे रेजोल्यूशन साथ में आता है। फुल HD रेजोल्यूशन आपको मिलता है, 300 निट्स का ब्राइटनेस मिलता है एंड 45% NTSC कलर गैमेट से थोड़ा सा अबाव आपको कलर गैमेट मिलता है। सो यहाँ पे अगर आप कलर एक्यूरेसी टास्क करना चाहेंगे तो उसके लिए प्रेफरेबल डिस्प्ले नहीं है, बट देन टू कलर्स काफ़ी अच्छे IPS डिस्प्ले है। सो विविंग एंगल्स भी यहाँ पे बहुत ही अच्छे आपको मिल जाते हैं एंड रेजोल्यूशन भी अच्छा है एंड साथ में 300 का ब्राइटनेस है, तो उसके हिसाब से अगर हम देखें तो ओवरऑल डिस्प्ले जो दिया गया बहुत ही अच्छा डिस्प्ले दिया गया। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात करते हैं इसमें जो प्रोसेसर आपको मिलता है, प्रोसेसर यहां पे बहुत ही अच्छा प्रोसेसर है। अब देखिए अगर आप प्रोग्रामिंग करना चाहते हैं, अगर आप एक बिगिनिंग स्टेज पे या फिर मतलब
फॉर एग्ज़ाम्पल ऑल्सो अगर आप अच्छा डेवलपमेंट लाइक आप एक इंटरमीडिएट प्रोग्रामर भी हैं तो उसके लिए भी अगर आप इस लैपटॉप को यूज़ करें तो बहुत ही अच्छे रिजल्ट्स आपको मिल सकते हैं, बिकॉज प्रोसेसर इसके अंदर आपको मिलता है राइजन 5 5500U प्रोसेसर, जो कि हेक्साकोर प्रोसेसर है 12 थ्रेड्स के साथ में आता है। तो प्रोसेसर यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा अच्छा आपको मिलता है, एंड साथ में बूस्ट क्लॉक स्पीड्स भी इसके बहुत ही ज़्यादा अच्छे दिए गए इसके अंदर। उसके बाद में इसमें आपको जो रैम मिलता है वो 8GB का रैम है, 256GB SSD है। तो ओवर इन ऑल लैपटॉप का जो कॉन्फ़िगरेशन है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिया गया है, तो आप इसको किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं, एंड इन केस अगर आप चाहें तो बाद में इसको जाके अपग्रेड भी कर सकते हैं। और उसी के साथ में दोस्तों इसमें और भी कुछ चीज़ों के बारे में बात करना चाहूँगा। अब अगर हम इसमें बात करें इसके कीबोर्ड डिज़ाइन एंड लेआउट के बारे में, तो आपको कीबोर्ड का जो डिज़ाइन देखने को मिलता है बहुत ही अच्छा डिज़ाइन देखने को मिलता है। साथ में जो यहाँ पे इनबिल्ट चैसी है बहुत ही ज़्यादा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग है एज़ कम्पेयर टू किसी अनदर लैपटॉप से, जो कि इस सेगमेंट में जिस प्राइस सेगमेंट में सेल हो रहा है उसके कंपैरिजन में इसका जो चैसी बहुत ज़्यादा रिजिड एंड स्ट्रॉन्ग, बिल्कुल भी फ्लेक्स आपको देखने के लिए नहीं मिलता है यहाँ पे, बहुत ही ज़्यादा ये स्टर्डी एंड फर्म है। उसी के साथ में अगर हम हिंजेस के बारे में बात करें तो हिंज भी यहाँ पे काफ़ी स्टर्डी दिया गया, जैसे कि आप देख सकते हैं वेरी स्लाइट वॉबल यहाँ पे ज़रूरी है, मतलब ऑब्वियसली बात है थोड़ा सा ज़रूर आएगा, बट देन टू अगर हम बात करें तो बहुत ही अच्छा यहाँ पे मतलब डिस्प्ले में हिंज वगैरह सब कुछ को बिल्ड किया गया। सो उसके कंपैरेटिवली अगर हम देखें तो काफ़ी अच्छा यहाँ पे डिज़ाइन है, एंड ओवर इन ऑल स्पेसिफिकेशंस अवेलेबल हैं। अब उसके साथ में आपको इसके अंदर रेडियन का ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाता है, तो इनकेस अगर आपको कुछ ग्राफिक्स कामों के लिए अगर ज़रूरत होगी तो उसको भी आप इसके अंदर कर सकते हैं, बिकॉज एज कम्पेयर टू कोर i3 प्रोसेसर जो कि आपको यूजुअली इस प्राइस रेंज में मिलता है, सो उस रेंज में आपको जो ग्राफिक्स का इंटेंसिव काम की ज़रूरत है तो उसके हिसाब से ये काफ़ी अच्छा बन सकता है आपके लिए। अब अगर मैं ट्रैक पैड के बारे में बात करूँ, कीबोर्ड के बारे में बात करूँ, तो वो भी काफ़ी अच्छा, ट्रैक पैड का बहुत ही स्मूथ फिनिश दिया गया, नॉट एज गुड एज मैकबुक ऑब्वियसली, बिकॉज मैकबुक्स का जो ट्रैक पैड है वो सबसे बेस्ट ट्रैक पैड है, बट यहाँ पे जो आपको ट्रैक पैड मिल रहा है काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे कोई भी ऐसा नहीं है कि मतलब कि जस्ट यहाँ पे ज़्यादा मतलब क्लिकी साउंड आपको मिल रहा हो, बट ट्रैक पैड में स्मूथ फिनिश आपको मिलता है, सो दैट्स रियली गुड। उसी के साथ में कीबोर्ड जो है उसमें भी टाइपिंग एक्सपीरियंस अच्छा है। एक चीज़ जो कीबोर्ड में मिसिंग है वो है बैकलिट की लाइटिंग यहाँ पे, सो अगर बैकलिट कीबोर्ड दे देते तो बहुत ही बेस्ट सिनेरियो हो जाता, बट बिकॉज़ यहाँ पे थोड़ा सा बजट्स को लिमिट करना पड़ता है तो इसलिए यहाँ पे बैकलिट कीबोर्ड आपको नहीं मिल रहा, बट देन टू कीबोर्ड अच्छा यहाँ पे दिया गया। उसी के साथ में जो एक थिंग आपको ऑन डिस्प्ले मिसिंग देखने के लिए मिलती है वो है इसका कैमरा, एंड कैमरा आपको डिस्प्ले पे कहीं नहीं मिलता, बिकॉज कैमरा के लिए इन्होंने बिल्ट किया है यहाँ पे ऑन कीबोर्ड जिसको आप ओपन अप कर सकते हैं। सो देयर इज एन पॉपअप कैमरा यहाँ पे जो कि इनबिल्ट है इसके अंदर, सो जो कि आप यूज़ कर सकते हैं वेब कॉन्फ्रेंसिंग, एंड वन थिंग जो कि आपको मैं नेसेसरली बता दूँ कि कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी दी गई है इस प्राइस सेगमेंट में, बिकॉज यूजुअली बहुत ही डार्क इमेजेस आते हैं अदरवाइज अगर आप यूज़ करें किसी और लैपटॉप को, सो उसके कंपैरिजन में कैमरा क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी इसके अंदर आपको मिलती है, जिसके सैंपल्स हम आपको दिखा देंगे, आप देख सकते हैं वो सैंपल्स को एंड देन जज कर सकते हैं ऑब्वियसली। सो दोस्तों ये है ओवर इन ऑल लैपटॉप। इसके बाद में अगर हम बात करें इसके अंदर सॉफ्टवेयर जो इंस्टॉल्ड आपको मिलते हैं, तो सॉफ्टवेयर में इसमें आपको विंडोज 11 प्री इंस्टॉल मिलता है, उसी के साथ में आपको कुछ और नहीं मिलता है, बिकॉज यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक चीज़ मिलनी चाहिए थी बट वो नहीं है इसके अंदर। अल्टीमेटली यहाँ प्राइस सेगमेंट में कुछ लिमिटेशन ज़रूर आपको मिलेंगे, सो अगर आपको माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की ज़रूरत है तो आप उसको एक्सटर्नली इंस्टॉल कर सकते हैं, कोई एंटीवायरस नहीं मिलता एंड नथिंग एल्स। विंडोज़ 11 के साथ में जस्ट ये प्री इंस्टॉल्ड आता है, एंड वारंटी के बारे में बात करें तो 1 ईयर की वारंटी आपको मिलती है ज़रूर है इसके साथ में, आप उसको कभी भी अवेल कर सकते हैं, ऑन साइड वारंटी नहीं है वो बाय द वे, एंड दैट्स इट। सो दोस्तों लैपटॉप जो है ओवर इन ऑल अगर हम देखें एक बजट सेगमेंट से, जो इसका प्राइसिंग मैं आपको फाइनल बता देता हूँ, 40,000 के अंडर में आता है, करेंटली प्राइस है 38,000 रुपीज़ में, लेकिन फिलहाल में ऑफर में अमेज़ॉन के ऊपर 37,000 के आसपास, या फिर अगर आप क्रेडिट कार्ड ऑफर्स को अवेल कर दें तो 35-36,000 में आपको लैपटॉप मिल सकता है। उसी के साथ में अगर हम देखें एज़ कम्पेयर टू किसी अनदर लैपटॉप से, तो सर कंपैरिजन डेफिनेटली ये बेटर लैपटॉप हो सकता है। अब देखिए यहाँ पे अगर हम कंपैरिजन करेंगे लेनोवो, डेल या फिर HP ऐसे लैपटॉप से, तो डेफिनेटली वो लैपटॉप के ब्रांड्स जो बेटर प्रेफर्ड ब्रांड्स हैं, एंड मैं भी ज़्यादा उनको प्रेफर ज़रूर करता हूँ, बट एज़ कम्पेयर टू उन लोगों के लिए जो कि परफॉर्मेंस चाहते हैं एंड कुछ एक न्यू ब्रांड में टेस्ट आउट करना चाहते हैं, तो वो इन लैपटॉप्स को चेकआउट ज़रूर कर सकते हैं। बाय द वे इसके पहले हमने इन्फिनिक्स के लैपटॉप को रिव्यू किया था, अगर आप उसका वीडियो देखना है तो टॉप हैंड राइट कॉर्नर में आपको उसका लिंक मिल जाएगा, आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं उस लैपटॉप का रिव्यू भी। सो एज़ कम्पेयर टू इन्फिनिक्स ब्रांड, ऑनर भी जो एक न्यू ब्रांड ज़रूर है, बट फर्स्ट इंप्रेशन वाइज ये लैपटॉप डेफिनेटली काफ़ी अच्छा लगता है, एंड हम इसको टेस्ट करेंगे ऑल पर्पजेज़ के लिए एंड देन कंप्लीट रिव्यू लेके आएंगे। सो दोस्तों अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करना ना भूलिए, सब्सक्राइब कर दीजिए हमारे चैनल को, और मिलते हैं दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड। Bye.